बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर मीटिंग फॉर सेशन नंबर 8 and 9। होपफुली वी वुड कंप्लीट टुडेज लेक्चर इन दीज टू सेशंस, बट इफ नीड बी वी माइट गो फॉर द थर्ड एज वेल। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड एंड बिहेवियर। बेटा, ये वो अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार इस्तेमाल करते रहते हैं कि भाई फला बंदे में बड़ा एटीट्यूड है, ठीक है, और फला बंदे का बिहेवियर अच्छा नहीं है, फला बंदा मुझसे मिसबिहेव करता है। तो ये वो अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन बेटा, सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड की वो माना नहीं होती जो आप लोग समझते हैं, भाई फला बंदे में बड़ा एटीट्यूड है, बल्कि सोशल साइकोलॉजी के अंदर एटीट्यूड से मुराद, इसकी जो बुकिश डेफिनेशन है वो ये है कि एटीट्यूड इज एन इवेल्युएटिव रिएक्शन टू समथिंग और समवन, यानी किसी भी चीज की तरफ या किसी भी बंदे की तरफ आपका एक जो इवेल्युएटिव रिएक्शन है उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज चैनल, एक बच्चा कहता है मैं देखता हूं, दूसरा कहता है आई डोंट लाइक, यानी मुझे पसंद नहीं है ये खबरें वगैरह सुनना। इट मीन्स उस बच्चे का इवेल्युएटिव रिएक्शन, यानी वो किस तरह से इवेल्युएट करता है उस न्यूज चैनल को, वो उस न्यूज की तरफ जो है वो नेगेटिव है, यानी उस बच्चे का एटीट्यूड उस चीज की तरफ नेगेटिव है। इसी तरह एक बच्चा है, दिन रात पढ़ाई करता है, 12-12 घंटे जो है वो रीडिंग करता है, स्टडी करता है, तो वो बच्चा उस पढ़ाई को चाहता है, पसंद करता है, यानी वो बच्चा पढ़ाई को कैसे देख रहा है, क्या समझ रहा है, उसका रिएक्शन क्या है पढ़ाई की तरफ, फेवरेबल, उसका फेवरेबल रिएक्शन है पढ़ाई की तरफ। तो आपका फेवरेबल रिएक्शन पढ़ाई की तरफ, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है उस चीज के लिए। और अगर आपका अनफेवरेबल एटीट्यूड किसी ना पसंदीदा चीज के लिए, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। अब वो चीज शायद आपके लिए ना पसंदीदा हो, लेकिन वो एज ए जनरल ना हो। मिसाल के तौर पर कोई भी खाने का आइटम होता है, हम में से काफी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीजों को पसंद करते हैं, कुछ चीजों को खाना पसंद नहीं करते। अब जो चीजें आप पसंद नहीं करते, अब उनकी तरफ आपका इवेल्युएटिव रिएक्शन नेगेटिव है, आप यानी उनको पसंद नहीं करते, तो आपका एटीट्यूड उनके लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, उसके बाद बिहेवियर। बिहेवियर बेटा आउटवर्ड, यानी एटीट्यूड जो है वो हमेशा इनवर्ड होता है, यानी आपके अंदर होता है। आप किसी और को अपना एटीट्यूड जो है वो दिखा नहीं सकते, आप दिखा नहीं सकते, वो आपके अंदर होता है एटीट्यूड। आपके अंदर का रुख किसी और किसी चीज की तरफ क्या है, कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये एटीट्यूड है आपका। लेकिन बिहेवियर क्या है बेटा? बिहेवियर ये है, आप जो है आपका बैरूनी, यानी आपके आपका फिजिकल एक्सप्रेशंस, आपके वजूद से क्या एक्सप्रेशंस निकल रही हैं, वो आपका बिहेवियर होता है। आप बातचीत कर रहे होते हैं, आपका जो बातचीत करना, आपकी जबान का हिलना, आपके फेशियल एक्सप्रेशन का इजहार करना, ये आपका बिहेवियर कहलाता है। यानी एटीट्यूड आपके वजूद के अंदर ही रहता है, लोग उसको नहीं देख पाते, लेकिन आपका बिहेवियर है वो, यानी आपके वजूद के बाहर, यानी जाहिर होता है, आप उसका इजहार करते हैं, तो उसको हम बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर की जब बात आती है तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द बिहेवियर, यानी टाइप्स ऑफ बिहेवियर हम कह सकते हैं। वॉकिंग बिहेवियर, किस तरह से एक बंदा चलता है, एक गरीब बंदे के चलने का अंदाज कुछ और होता है, और एक जो तकब्बुर मुतकब्बिर इंसान होता है उसका चलने का अंदाज कुछ और होता है, जिसके पास पैसा होता है उसका चलने का अंदाज कुछ और होता है,
और जो फकीर होता है उसका चलने का अंदाज कुछ और होता है। तो ये सारी चीजें बिहेवियर में आती हैं, खाने का अंदाज आप किस तरह से खाते हैं ये आपका ईटिंग बिहेवियर है, सिटिंग बिहेवियर आप बैठते हैं किस तरह से बैठते हैं उसको हम सिटिंग बिहेवियर कहते हैं। इस तरह बेटा आपकी हजारों चीजें आ जाती हैं जो आपके बिहेवियर में यानी के शामिल होती हैं। तो एटीट्यूड द इंटरनल पार्ट, बिहेवियर एक्सटर्नल पार्ट। एटीट्यूड आप अंदर से क्या फील करते हैं या क्या सोचते हैं किसी चीज की तरफ। बिहेवियर आप बाहर से उस चीज के मुतालिक कैसे बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, हाउ वेल डू अवर एटीट्यूड्स प्रिडिक्ट अवर बिहेवियर। एटीट्यूड प्रिडिक्ट अवर बिहेवियर यानी ये पूछ रहा है क्या हमेशा ऐसे ही होता है कि जैसे हमारे अंदर के एटीट्यूड होते हैं यानी जैसा हम अंदर से फील करते हैं या सोचते हैं वैसा ही हम बाहर से जाहिर भी करते हैं। बेटा इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या ऐसा होता है हमेशा जो हम अंदर से महसूस करते हैं या अंदर से फील करते हैं वो हमेशा जो बाहर हम उसका इजहार करते हैं वो हमेशा वही चीज होती है जो हम अंदर से फील करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक क्लास फेलो है या कोई भी फ्रेंड है, मुश्किल वक्त में उसने आपकी मदद नहीं की, अब आपके माइंड में उसके लिए क्या सोचे चलेंगी, वो अच्छा बंदा नहीं है, मेरा वफादार दोस्त नहीं है, ये सोच। यानी अब आप उसको नेगेटिवली इवेल्युएट कर रहे हैं उस फ्रेंड को जिसने आपकी मौका मिल पर मदद ना की। अच्छा आपकी सोच उसके लिए ये है, आपकी फीलिंग्स उसके लिए क्या होंगी, आप उसको लाइक नहीं कर रहे होंगे, डिसलाइक कर रहे होंगे, यानी आप उसको देखेंगे आपका मुंह थोड़ा बन जाएगा, यार ये कौन सा बंदा सामने आ गया है। ठीक है, अब ये उसके लिए आप आपके अंदर जो नेगेटिव एटीट्यूड यानी क्रिएट हो गया उस बंदे के लिए, अब आया ये नेगेटिव एटीट्यूड बाहर इसका इजहार भी हो सकता है या नहीं। तो कभी कभी तो ये होता है कि जैसा आप अंदर से सोच रहे होते हैं और फील कर रहे होते हैं वैसा ही आप बाहर में उसका इजहार भी कर रहे होते हैं, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप अंदर में महसूस कर रहे होते हैं और बाहर अच्छा फील कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं उसके एन मुताबिक आप बाहर उसका इजहार नहीं कर पाते, कुछ भरम रखना होता है दूसरे लोगों का जिस वजह से आप बाहर उन चीजों का इजहार नहीं कर पाते जो आप अंदर महसूस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो अभी मैंने आपको मिसाल दी कि एक फ्रेंड है उसके लिए यानी कि अब आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन वो आ जाता है आपको सलाम करता है हाथ मिलाता है, आप फिर भी मुस्कुरा कर उससे बात करते हैं। अब मुस्कुरा कर बात करना ये तो पॉजिटिव बिहेवियर है। अब जब आपका एटीट्यूड नेगेटिव है उस बंदे की तरफ आपका बिहेवियर पॉजिटिव क्यों है, तो इसको कहते हैं एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी। यानी आपके एटीट्यूड अंदर और बिहेवियर बाहर ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंदर आप कुछ और महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं और बाहर आप कुछ और चीजों का इजहार कर रहे हैं। तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ेंगे हाउ वेल डू अवर एटीट्यूड्स प्रिडिक्ट अवर बिहेवियर, यानी कितनी हद तक हमारे एटीट्यूड यानी के प्रिडिक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को, यानी कितनी हद तक हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड के एन मुताबिक होगा। नंबर वन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट वी आर ऑन द इनसाइड, यानी जो हम अंदर से हैं, एंड व्हाट वी डू ऑन द आउटसाइड, यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इन दो चीजों के दरमियान ताल्लुक, लिंक किन दो चीजों के दरमियान, इनसाइड आउटसाइड, यानी जो आप अंदर से महसूस करते हैं और सोचते हैं उसका आपके बाहर से यानी आप जो जाहिर करते हैं उसके साथ ताल्लुक, व्हाट यू थिंक एंड फील इनसाइड एंड व्हाट यू शो आउटसाइड। नंबर टू,
philosophers, theologians, बेटा philosophers उनको कहा जाता है जो society के abstract किस्म के चीजों के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, यानी सच क्या है, झूठ क्या है, मौत क्या है, जिंदगी क्या है, दुनिया वजूद में क्यों आई, इस तरह के सीरियस किस्म के सवालात का जवाब जो है वो ये फिलोसोफर्स देते हैं। उसके बाद थियोलॉजियंस, थियोलॉजी बेटा उसको कहते हैं जो बंदा मजहब के इल्म में माहिर हो, यानी मजहब के इल्म में माहिर होता है उसको थियोलॉजिस्ट कहते हैं, थियोलॉजियंस, थियोलॉजियन, फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस एंड एजुकेटर्स और तालीमी माहिर हैव लॉन्ग स्पेकुलेटेड, बहुत अरसे से यानी लिखते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, किस चीज के बारे में, अबाउट द कनेक्शंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एक्शन, यानी कनेक्शन जो है किसका कनेक्शन, आपके एटीट्यूड और एक्शन का, बिहेवियर को बेटा आप एक्शन भी कह सकते हैं, एक्शन, एटीट्यूड और एक्शन का कनेक्शन क्या है, यानी आप अंदर से क्या सोचते हैं और बाहर से करते क्या हैं, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, इसके ऊपर जो है काफी सारे फिलोसोफर, फिलोसोफर, थियोलॉजियंस और एजुकेटर्स जो हैं वो इस लिंक के ऊपर काफी अरसे से जो है वो लिखते आ रहे हैं और बात करते आ रहे हैं। कैरेक्टर एंड कंडक्ट, यानी आपका कैरेक्टर क्या है, किरदार क्या है, आपकी कंडक्ट क्या है, प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट वर्ड, प्राइवेट, प्राइवेट वर्ड एंड पब्लिक डीड, यानी आप प्राइवेटली अंदर में, अंदर में आप उस चीज के लिए क्या कहते हैं। एक बंदा आपसे पूछता है, हाँ भाई मैंने ये नई शर्ट पहनी है, मैं कैसा लग रहा हूँ, आप अंदर से कहते हैं बड़े बुद्धू दिख रहे हो, यानी बहुत पागल दिख रहे हो, अच्छे नहीं दिख रहे हो, अंदर में ये सोचते हैं, आपको हंसी आ रही होती है उस बंदे की शर्ट पर, क्या क्या दिख रहा है ये, लेकिन बाहर में आप कहते हैं नहीं नहीं वेरी नाइस वेरी नाइस, अब आप अंदर में एक चीज सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं लेकिन बाहर में हम कुछ दूसरा दिखा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी यानी दो चीजों का आपस में एक जैसा ना होना, इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। बेटा इसके ऊपर और भी कई तरह के यानी के पाई जाती हैं, जैसे कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, यानी ये दो चीजें हो गई, एक वर्ड्स हो गए और दूसरे एक्शन हो गए। अच्छा बेटा अगर इसको थोड़ा सा हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें, एटीट्यूड और बिहेवियर, अगर इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक ये इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे ये चीज क्या है जो बोली जा रही है। बेटा दो चीजें होती हैं मजहब में, अक्सर हम इस्लाम में पढ़ते हैं, नियत और अमल, यानी एक्शन और इंटेंशन। इंटेंशन यानी आपके अंदर की नियत, आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। एक्शन आपका बाहर का अमल, आपका बाहर का अमल। आपने देखा होगा एक वर्ड यूज किया जाता है मुनाफिक, मुनाफिक, मुनाफिक कहते हैं ना भाई फला बंदा बड़ा मुनाफिक है, क्यों, क्योंकि वो बाहर जो है एक बात बताता है और अंदर में कुछ और चीज सोच रहा होता है, इसको हम कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिक लोग कौन होते हैं या कौन होते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जो बाहर यानी बाहर से तो ये जाहिर करते थे कि हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते थे, लेकिन अंदर में इस्लाम को नापसंदीदा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुग्ज रखते थे, उनको हम कहते हैं मुनाफिक लोग। यानी अंदर में एक तरह की चीजें सोचना और एक तरह की चीजें महसूस करना और बाहर से बिल्कुल उसका उलट यानी उसका इजहार करना, तो ये है एटीट्यूड बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी। बेटा माइक किसकी ओपन है प्लीज बंद कर दें। पॉइंट नंबर थ्री, अंडरलाइन, अंडरलाइन मोस्ट टीचिंग काउंसलिंग एंड चाइल्ड रियरिंग is an assumption. Our private beliefs and feelings determine our public behavior. So, if we wish to change behavior, we must first change hearts and minds. यानी teaching की बात करें या counseling की बात करें
या बच्चों की तरबियत के मुतालिक बात करें, एक अजम्पशन कहते हैं, यानी जो डोमिनेंट ख्याल होता है, ये ख्याल किया जाता है अक्सर इन तीनों सेक्टर्स में, अवर प्राइवेट बिलीव्स एंड फीलिंग्स, यानी हम अपने अंदर इनसाइड द माइंड एंड हर्ट व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी फील, इट डिटरमाइंस अवर पब्लिक बिहेवियर, यानी जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम महसूस करते हैं वो हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज होता है, हम बिल्कुल वैसा करते भी हैं, ये अजम्पशन, ये ख्याल पाया जाता है। सो इफ वी विश टू चेंज बिहेवियर, इसीलिए कहा जाता है अगर आपको किसी बंदे का बिहेवियर चेंज करना हो, उसके एक्शंस चेंज करने हो, वी मस्ट फर्स्ट चेंज हर्ट्स एंड माइंड्स, हम पहले क्या करें, उसके हर्ट और माइंड को चेंज करेंगे, उसका एक्शन ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है, एक बंदा स्मोकिंग करता है, अब उसका स्मोकिंग बिहेवियर है, बाहर से हाथों में सिगरेट पकड़कर होंठों में रखता है, यानी उसकी बॉडी जो है वो एक्शन में है, तो ये बिहेवियर है स्मोकिंग बिहेवियर। आप चाहते हैं वो बंदा स्मोकिंग ना करे, अब अगर आप चाहते हैं उसका ये एक्शन रुक जाए स्मोकिंग का, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उसके माइंड और हर्ट पे काम करें, यानी उसके एटीट्यूड को थोड़ा सा, यानी कि उसको चेंज करने की कोशिश करें और उसको एंटी स्मोकिंग बनाए एटीट्यूड को, यानी माइंड और हर्ट को चेंज करें। ये अजम्पशन पाया जाता है कि अगर आप, आपको किसी का बिहेवियर चेंज करना हो तो आप उसका क्या चेंज करें, आप उसका एटीट्यूड चेंज करें, यानी किसी को बाहर से अगर चेंज करना हो तो बाहर से चेंज वो तब होगा जब उसके अंदर आप पहले चेंज लेकर आएंगे। ये अजम्पशन, ये ख्याल पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, टीचिंग में। टीचिंग में अक्सर कहते हैं भी अगर बच्चे का बाहर का एक्शन चेंज कराना है तो उसके अंदर काम करो, उसके माइंड और हर्ट पे काम करो, काउंसलिंग पे किया जाता है, और बच्चों की तरबियत से रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं उनमें इस तरह का अजम्पशन पाया जाता है। पॉइंट नंबर 4, taken together, favorable or unfavorable evaluative reactions towards something. अब बेटा ये वो किताबी डेफिनेशन आ गई जो मैंने आपको बताई थी एटीट्यूड की, फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेल्युएटिव रिएक्शन। बेटा इवेल्युएटिव वर्ड इवेल्युएशन से निकला हुआ है, इवेल्युएशन क्या होती है, आप इवेल्युएशन करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर आपके पेपर की इवेल्युएशन करते हैं, आपके आपके लिखे हुए अल्फाज को पढ़ते हैं और फिर उसको जज करते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए, ए ग्रेड होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, एफ होना चाहिए, तो वो आपकी इवेल्युएशन करते हैं। तो एटीट्यूड क्या है, आप भी किसी चीज या किसी बंदे को उस तरह से इवेल्युएट करते हैं कि इस बंदे की रैंकिंग क्या होनी चाहिए मेरे अंदर, या मेरा एक्शन उस बंदे की तरफ या उस चीज की तरफ क्या होना चाहिए। फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेल्युएटिव रिएक्शंस टुवर्ड्स समथिंग, समथिंग यानी किसी चीज, ऑफन रूटेड इन बिलीव्स, यानी ये जो आपके रिएक्शंस होते हैं ये आपके बिलीफ में रूटेड होते हैं, यानी आपके बिलीफ में इसकी रूट पाई जाती हैं, एंड एग्जिबिटेड इन फीलिंग्स, और आपकी फीलिंग्स में भी इसका इजहार होता है। बेटा कभी कभी आपकी फीलिंग्स लोगों को पता चल जाती हैं, कैसे पता चल जाती हैं, आप गुस्से में हैं, आप जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन से, यानी कि घर वालों से किसी से भी थोड़ा सा आपकी आर्गुमेंटेशन हो जाती है, आप बाहर निकलते हैं दरवाजे को जोर से यानी कि बंद करके निकल जाते हैं। अभी आपका दरवाजे को जोर से बंद करना क्या बता रहा है, इट मीन्स आपकी फीलिंग्स यानी पॉजिटिव नहीं है अभी। इसी तरह आपके चेहरे से आपकी फीलिंग्स का इजहार हो जाता है, कभी कभी वहां पे दर्ज हो जाती हैं, खुश हैं तो खुशी आपके चेहरे से पता चलती है, गमगीन है आपका गम आपके चेहरे पर उतर आता है, और हसद फील कर रहे हैं वो हसद आपकी आंखों से और आपके चेहरे से पता चल जाता है। इसी तरह नफरत करते हैं तो आपकी आंखों के जिस तरह से आप किसी को देख रहे होते हैं आंखें फाड़ फाड़ कर, तो उससे आपकी यानी कि उसका पता चल जाता है, और मोहब्बत का भी पता चल जाता है, मोहब्बत भी एक फीलिंग्स है, तो आप किसी को जिस नज़र से देखते हैं उस नजर से उस बंदे को और देखने वालों को जो आपको देखते हुए देख रहे होते हैं उन देखने वालों को भी पता चल जाता है कि वो जो बंदा है वो उसके लिए कुछ फील कर रहा है, तो चेहरे से पता चल जाता है। एंड इंक्लिनेशंस टू एक्ट, यानी इंक्लिनेशंस टू एक्ट यानी वो जो एक्ट आप कर रहे हैं
उसके पीछे क्या क्या मोटिवेशंस, क्या क्या चीजें हैं, डिफाइन अ पर्सन्स एटीट्यूड, इसको हम कहते हैं एक बंदे का एटीट्यूड। तो बेटा सिंपल डेफिनेशन, फेवरेबल यानी ये फेवरेबल किसी चीज को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपका एटीट्यूड उसकी तरफ पॉजिटिव हो गया। फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेल्यूएटिव रिएक्शन टुवर्ड्स समथिंग और समवन, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। पॉइंट नंबर 5, दस अ पर्सन मे हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड कॉफी, यानी एक बंदा है उसका, भाई आप कॉफी लेंगे, नहीं नहीं मैं कॉफी नहीं लेता, आप कॉफी नहीं ले रहे, इट मींस आपका एटीट्यूड क्या है कॉफी की तरफ, नेगेटिव, आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। अच्छा बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान एक और भी आ जाता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल एटीट्यूड टुवर्ड द फ्रेंच, फ्रेंच यानी जो फ्रांसीसी कोई शहरी है, फ्रांसीसी या फ्रांस, उसकी तरफ आप कहते हैं ना तो मैं पसंद करता हूं, पसंद करूंगा तो फेवरेबल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ना पसंद करूंगा, नफरत करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आप कहते हैं ना तो मैं पसंद करता हूं, ना तो मैं ना पसंद करता हूं, यानी मेरा उसे कोई लेना देना नहीं। तो जिन चीजों के साथ आपका लेना देना नहीं होती, ना वो आपको फायदा देती है, ना वो आपको नुकसान देती है, ऐसी चीजें और ऐसे बंदों के लिए आपके पास कौन सा एटीट्यूड होता है, न्यूट्रल एटीट्यूड। अच्छा वो बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, उनको पता होगा कि न्यूट्रल क्या चीज होती है, यानी गियर को न्यूट्रल पे रखना, ठीक है, उस वक्त ना तो गाड़ी चल रही होती है और ना तो वो बंद होती है, यानी वो स्टार्ट भी होती है लेकिन चल नहीं हो रही थी, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द नेक्स्ट डोर नेबर, यानी आपका जो पड़ोसी है उसके लिए आपके पास कौन सा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, आप उसकी हैबिट, उसके कैरेक्टर को पसंद करते हैं, इसीलिए आपका एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव है। पॉइंट नंबर 6, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, यानी किस हद तक एंड अंडर व्हाट कंडीशन और कौन से हालात में डू द एटीट्यूड्स ऑफ द हर्ट ड्राइव अवर आउटवर्ड एक्शंस, यानी किस हद तक और किन किन हालात में आपके एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल वैसे ही आपके बिहेवियर को जन्म देंगे जैसा कि वो खुद होता है, यानी आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड एक जैसा हो जाएगा, जैसे आप अंदर में किसी चीज के लिए फील करते हैं और सोचते हैं वैसे ही बाहर से उस चीज को आप बिहेव कर रहे हैं, इसको कहते हैं बिहेवियर एटीट्यूड कंसिस्टेंसी, दोनों एक जैसे। तो यहाँ पे पूछ रहे किन हालात में ऐसा होता है, किन कंडीशंस में ऐसा होता है कि दोनों सेम होते हैं। नंबर 7, अ ब्लो टू द सपोज्ड पावर ऑफ एटीट्यूड्स केम व्हेन सोशल साइकोलॉजिस्ट एलन विकर 1969 रिव्यूड सेवरल डजन रिसर्च स्टडीज कवरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। विकर ऑफर्ड अ शॉकिंग कंक्लूजन, यानी इन ढाई लाइनों में ये कहा गया है कि अ ब्लो टू द सपोज्ड पावर ऑफ एटीट्यूड, यानी जो पहले माना जाता था कि भाई जैसे अंदर बंदा है वैसा ही बाहर, ठीक है, जैसे अंदर फील करता है वैसा ही बाहर फील करता है, ये यानी कि ये पहले आइडियाज थे एटीट्यूड के बारे में, लेकिन कहते हैं इस तरह की एक्सप्लेनेशन को, इस तरह के ख्याल को धचका मिला, कब धचका मिला, जब 1969 में, 1969 में एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था एलन विकर, उसने रिसर्च की, यानी रिव्यूड सेवरल डजन रिसर्च स्टडीज, कितनी रिसर्च स्टडीज यानी उसने रिव्यू की, यानी कुछ लोगों ने रिसर्च की एटीट्यूड्स पर, फिर इस बंदे ने क्या किया, इन सारी लोगों की रिसर्च को इकट्ठा करके उनका रिव्यू बनाया, कवरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों की स्टडीज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, एटीट्यूड्स और बिहेवियर से रिलेटेड जो स्टडीज थी। विकर ऑफर्ड अ शॉकिंग कंक्लूजन, यानी इसका कंक्लूजन पहले वाले आइडियाज के बिल्कुल मुखालिफ था, वो क्या था, पीपल्स एक्सप्रेस एटीट्यूड्स हार्डली प्रिडिक्टेड देयर वेरिंग बिहेवियर्स, यानी लोग जिन एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस करते हैं, भाई आपकी, आप क्या सोचते हैं फलां चीज के लिए, हाँ भाई मैं इस चीज को पसंद करता हूँ,
लेकिन अमलन देखा गया तो नहीं, वो उसको नापसंद करता था। तो कहता है कि जो जिस चीज का लोग एटीट्यूड में इजहार करते हैं वो उनके अमल में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, यानी उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से उस चीज का दूर का भी लेना देना नहीं होता, उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है उनके अपने एटीट्यूड से। ये कहां से इसने पता लगाया? जो सैकड़ों स्टडीज थी एटीट्यूड और बिहेवियर पे, उन सबको इसने एक तरह एक जगह पे जमा करके उन सबका इसने रिव्यू बनाया। उससे इसने कंक्लूजन बनाया कि लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं वो हमेशा उनके बिहेवियर से मुख्तलिफ हुए। ए स्टूडेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड चीटिंग, यानी आपसे पूछा जाए, अब इस ये जो रिसर्च है इसका कंक्लूजन है एलन विकर का, अब ये आप पे अप्लाई करते हैं। आपसे एक एक स्टूडेंट से पूछा जाए, हाँ भाई, हाँ बेटा बताएं, चीटिंग गुड थिंग और बैड थिंग, व्हाट विल बी योर आंसर? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा हो जो खुले आम क्लास में कहे नहीं सर चीटिंग अच्छी चीज है, आई लाइक इट, यानी धोखादही को मैं पसंद करता हूँ, चीटिंग को मैं पसंद करता हूँ। कोई नहीं पसंद करेगा। आप इंटरव्यू लें, अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 का ये जवाब होगा कि यस चीटिंग इज अ बैड थिंग, कोई भी नहीं कहेगा चीटिंग इज अ गुड थिंग। यानी आपका एटीट्यूड चीटिंग की तरफ क्या है? नेगेटिव है, आप उसको नेगेटिवली देखते हैं। लेकिन आपका बिहेवियर क्या कह रहा है चीटिंग के बारे में? बोर लिटिल रिलेशन, यानी आप जो अंदर में जिस चीज को रखते थे, जिसका इजहार करते थे, लिटिल रिलेशन टू द लाइकलीहुड ऑफ देयर एक्चुअली चीटिंग, यानी बिहेवियर का उससे दूर तक लेना देना नहीं था। यानी एक बच्चा कहता है यस चीटिंग इज अ बैड थिंग, कॉपी करना बुरी चीज है एग्जाम में, ठीक है, इस तरह की ओपिनियन देता है। लेकिन जब एग्जाम आता है तो वो अमलन क्या करता है? उसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो वो सोचता और महसूस करता है, लेकिन वो टोटली डिफरेंट होता है हमेशा उस चीज से जो बाहर जिस चीज का वो इजहार कर रहा होता है। बी सेल्फ डिस्क्राइब्ड रेशियल एटीट्यूड्स प्रोवाइडेड लिटिल क्लू टू बिहेवियर्स इन एक्चुअल सिचुएशंस। यानी सेल्फ डिस्क्राइब्ड रेशियल एटीट्यूड्स, रेशियल रेस से निकला हुआ बेटा, ये हमारे यहाँ तो इसका कम असर है, लेकिन अमेरिका में आप देखते हैं काले और गोरे का चक्कर है, तो नस्ल परस्ती होती है वहां पे। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप ऑक्सफोर्ड में या किसी भी आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं अमेरिका या बर्तानिया की, तो जो चीजें आप पूछेंगे, हाँ भाई डू यू सपोर्ट रेशियल एटीट्यूड्स, यानी आप जो है रेस की बुनियाद पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, इसके लिए आप सपोर्ट करते हैं? सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, आई डोंट लाइक इट, ये इनजस्टिस है। तो सारे लोग कहेंगे नहीं, ये बुरी चीज है कि नस्ल की बुनियाद पर लोगों को यानी कि ट्रीट किया जाए, सारे लोग ऐसे करेंगे। लेकिन अमलन क्या होता है, उनके बिहेवियर फील्ड में क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, वो इस चीज का इजहार अपने अमलों से कर रहे होते हैं कि वो रेस की बुनियाद पर लोगों को देखते हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा जिंदा मिसाल हमारे मुआशरे में पाया जाता है, जहां पे अक्सर लोगों से पूछा जाए, हाँ भाई डॉवरी जहेज अच्छी चीज है बुरी चीज है? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कहे नहीं अच्छी चीज है डॉवरी, सारे लोग कहते हैं भाई बुरी चीज है, गरीब पिस जाता है और गरीब की बेटियां जो वो बैठी रहती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं इस जहेज की लानत की वजह से। लेकिन अमलन देखा जाए, जिन जिन बच्चों से कमेंट लिए गए और सबने कहा कि डावरी बुरी चीज है, उनसे पूछें आपके घर में यानी के बेटी की या बहन की या किसकी भी शादी हुई तो डिवोर्स आपने दिया या नहीं दिया, या जो लड़का कहता है कि डावरी जो बुरी चीज है उसकी शादी हुई या उसके भाई की हुई या किसी की भी हुई, उन लोगों ने डावरी ली या नहीं ली, तो आपने देखा होगा आपके दिमाग में और दिल में आपके एटीट्यूड्स तो कुछ और होते हैं, लेकिन आपका बिहेवियर जो है वो कभी भी एटीट्यूड के मुताबिक यानी नहीं रहता। पॉइंट नंबर 8, एन एग्जांपल ऑफ द डिसजंक्चर बिटवीन एटीट्यूड्स एंड एक्शंस। डिसजंक्चर
डिसजंक्चर कहते हैं दो चीजों में लिंक का टूट जाना, यानी दो चीजें आपस में टूटी हुई हैं, तो एटीट्यूड और बिहेवियर का टूटा हुआ आपस में, इसको कहते हैं डिसजंक्चर। बिटवीन एटीट्यूड्स एंड एक्शंस इज व्हाट डेनियल बेटसन एंड हिज कलीग्स कॉल मोरल हाइपोक्रेसी। बेटा ये भी एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था डेनियल बेटसन, ये और जो दूसरे इसके कलीग्स हैं वो इस सिचुएशन को, यानी आपके एटीट्यूड्स कुछ और बता रहे हैं और आपका बिहेवियर कुछ और बता रहा है, इसको ये लोग कहते हैं मोरल हाइपोक्रेसी। मोरल हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी कहते हैं मुनाफिकत को। अपीयरिंग मोरल व्हाइल अवॉइडिंग द कॉस्ट ऑफ बीइंग सो, यानी देखना एक चीज और देना दूसरी चीज। नंबर 9, इफ पीपल डोंट वॉक द सेम लाइन दैट दे टॉक, यानी जो चीज वो अपने मुंह से कहते हैं वो उस लाइन पे चलते नहीं है, वो उस लाइन पे चलते नहीं है। इट्स लिटिल वंडर दैट अटेम्प्ट्स टू चेंज बिहेवियर बाय चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफन फेल, यानी यही वजह है, यही वजह है चूंकि डिसजंक्चर है, ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड ही नहीं है, इसीलिए यानी के मुख्तलिफ मौकों पर जब आप कोशिश करते हैं कि लोगों का बिहेवियर चेंज करें, किस तरह से उनके एटीट्यूड को चेंज करके, तो क्या वो आपकी कोशिश नाकाम हो जाती है। यानी आप कहते हैं बिहेवियर को चेंज करना है तो उसके एटीट्यूड को पहले चेंज करें, लेकिन ये चीज आपकी फेल हो जाती है, आप लोगों का बिहेवियर चेंज ही नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड सारे आप उनको मेहनत करेंगे, वो लोग आपकी बात मान जाएंगे, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन अमल उनका कभी भी आपके उस चीज के मुताबिक नहीं होगा। वार्निंग्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग अफेक्ट ओनली मिनिमली दोस हु ऑलरेडी स्मोक। आप देखें जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको पता होगा कि वो जो सिगरेट का पैकेट होता है उस पर यानी कैंसर के निशानात होते हैं, एक बंदे का मुंह फटा हुआ है, लिवर फटा हुआ है, ये चीजें दिखाते हैं और बताते हैं भाई गले का कैंसर होगा आपको, मुंह का कैंसर होगा, ये लिखे हुए होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, कैंसर होता है, लेकिन किसी पर उस चीज का असर होता है? यानी अब इस चीज का मकसद क्या है? इस चीज का डिस्करेज करना है आपको कि आप स्मोकिंग ना करें, ताकि आप अभी जो स्मोकिंग का बिहेवियर कह रहे हैं ये चीज ना करें, लेकिन वो हार्डली आपके उस एक्शन पर अमल करता है, वो सारे लोग देखते भी हैं पीते भी हैं और उस पर अमल नहीं करते। यानी एटीट्यूड्स हार्डली प्रिडिक्ट योर बिहेवियर। तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा कि अक्सर ये जो अजम्पशन लगाया जाता था कि लोगों को चेंज करने का एक ही तरीका है कि उनके एटीट्यूड्स पर काम करें, तो पहले आइडिया में हमने ये पढ़ा, कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा कि बाज़ोकात ऐसा होता है कि आपके एटीट्यूड्स आपके बिहेवियर से डिफरेंट होते हैं और आप अपने एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर पाते, आप अपने एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर पाते, इसको हमने नाम दिया था एटीट्यूड्स बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी। दैट वाज अवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड कॉन्सेप्ट, व्हेन एटीट्यूड्स प्रिडिक्ट बिहेवियर। यानी पहले कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा कि बिहेवियर डिफरेंट होता है, एटीट्यूड डिफरेंट होता है, यानी योर बिहेवियर डज नॉट प्रिडिक्ट योर बिहेवियर, एटीट्यूड डज नॉट प्रिडिक्ट योर बिहेवियर। लेकिन अब दूसरे कॉन्सेप्ट में हम उल्टी चीज पढ़ेंगे, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है एटीट्यूड्स प्रिडिक्ट बिहेवियर, कुछ कुछ लोग बिल्कुल भी वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि वो इनसाइट फील करते हैं या सोचते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, किन किन सिचुएशंस में इस तरह का बिहेवियर पॉसिबल है, ये इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे सेशन में, दूसरे कॉन्सेप्ट में। तो बेटा अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 मिनट और 20 सेकंड रह गए हैं, तो अब हम अपने पहले सेशन को ख़त्म करते हैं और 10 मिनट के बाद हम अपने दूसरे सेशन में दोबारा से मिलते हैं।